हाय गाइस हाउ डूइंग आई होप सभी सेफ हैं, हेल्दी हैं और uh, इस बदलते मौसम के साथ अब स्पेशली नॉर्थ इंडियन जो हमारे दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे होंगे गर्मी की क्योंकि हम आज uh, सेगमेंट ऐसा लेकर आए हैं जिसमें आने वाले वक्त में काफ़ी गर्मी दिखने वाली है दैट्स व्हाई आई थॉट की गर्मी का रेफरेंस दे दिया जाए वी आर टॉकिंग अबाउट सेवन सीटर एसवी जिसमें से कुछ एक आ गई हैं कुछ एक एग्जिस्टिंग है कुछ आने वाली हैं एंड वी आर आल्सो गेटिंग फ्यू क्वेश्चंस हमारे दोस्त जानना चाह रहे हैं कि सेगमेंट में अगर वो एक प्रोडक्ट लेना चाहें तो कौन सी गाड़ी वो ले सकते हैं एंड आई थॉट व्हाई नॉट डू अ स्मॉल वीडियो जस्ट टू गिव यू गिव यू एन आइडिया कि कौन सी गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है कौन से प्राइस ब्रैकेट में और जो आने वाली गाड़ियाँ हैं आएंगी कौन से प्राइस ब्रैकेट में आ सकती हैं सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बट बिफोर डूइंग दैट आई डोंट यू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल और इसके अलावा टाइम्स ड्राइव डॉट इन डोट फॉरगेट दैट एड्रेस वहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी सारे न्यूज व्यूज अपडेट्स एंड आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी यहां पे हमारे पास uh, दो प्रोडक्ट नए हाल में आए हैं जैसे हेक्टर का हेक्टर प्लस हो गया है सिक्स टू सेवन सीटर वर्जन जो हैक्टर पहले से मौजूद थी उसका ये एक बड़ा वर्जन है थर्ड रो के साथ थर्ड रो आपको हैरियर में भी फिट करके मिला है बट उसका नाम अब हो गया है सफारी सो वी हैव टू न्यू प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में अगर हम सेवन सीटर एस वाली बात करें तो इस सेगमेंट में ऑब्वियसली एक्स यू फाइव डबल ओ पहले से मौजूद है उसको लगातार कंपनी ने अपडेट भी किया है बट दो और प्रोडक्ट्स हैं जो इस साल हम देखने वाले हैं जो इसी सेगमेंट के आसपास आएंगे एंड दैट्स वाई द होल क्वेश्चन और यू नो द कन्फ्यूजन बिकॉज uh, अगर वो आ ही रही हैं तो क्या उनका वेट किया जाए या नहीं किया जाए ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और दो में से एक प्रोडक्ट तो अभी है यानी एक्स 5 वी का नया वर्जन वी आर वेटिंग कि प्रोडक्शन uh, कॉन्सेंट जब खत्म हो जाएंगे तो बिल्कुल शेड्यूल पर uh, वो नया वर्जन आ जाएगा इसके अलावा अल्कजार हमने देखा जो थोड़े दिन पहले ही अपडेट किया था इंडिया ने जो सेवन सीटर सिक्स सीटर वर्जन है क्रेटा का एंड अल्कजार विल बी दैर सेवन सीटर एस जो ग्लोबल डेब्यू बहुत जल्द ग्लोबल प्रीमियर उसका होने वाला है सो वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो तो पर इस सेगमेंट में जैसा मैंने बताया तीन या दो नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दो आने वाले हैं तो कंफ्यूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए शुड यू वेट फॉर टू न्यू प्रोडक्ट्स और नॉट सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थ्री व्हीकल्स जो पहले से मौजूद हैं और सबसे पहले इंजन की अगर बात करें लेट्स लुक एट द डीजल इंजन ऑप्शन फर्स्ट जिसमें एम हेक्टर प्लस में लगा है दो लीटर टर्बो डीजल इंजन पार आउटपुट इज वन सिक्सटी एट बी एच पी थ्री फिफ्टी न्यूटीमीटर्स ऑफ टॉक और जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो आपको सिक्स पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है यू uh, है डीजल इंजन इन महिंद्रा एक्सू फाइव डबल ओ पार आउटपुट इज वन फिफ्टी फाइव बी एच पी थ्री सिक्सटी न्यूटोमीटर्स ऑफ टॉक सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी अब आपको हाल में मिला है देन यू हैव टा सफारी टू लीटर टबो डीजल वन सिक्सटी एट बी एच पी और थ्री फिफ्टी न्यूटोमीटर्स ऑफ टॉक इसमें सिक्स स्पीड मैनुअल और ए का ऑप्शन आपको मिल रहा है ये इंजन और ट्रांसमिशन uh, के ऑप्शन हो गए इफ आर टॉकिंग अबाउट द सफारी हेक्टर प्लस एंड एक्स फाइव डब्लू वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ आपके पास हेक्टर प्लस में पेट्रोल ऑप्शन है और लॉट्स ऑफ कस्टमर्स लॉट्स ऑफ व्यूअर्स फ्रेंड्स दे आस्किंग वदर वी शुड गो फॉर पेट्रोल और डीजल यहाँ पे और पेट्रोल के लिए जो अब इंडियन बायर्स हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंसिबल अब ऑप्शन जरूर दिख रहा है पेट्रोल इफ़ यू आर डिसाइडिंग बिटवीन पेट्रोन डीजल स्पेशली जो बड़े शहरों में रहने वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए और यहाँ पर जैसा मैंने बताया हैटर प्लस में पेट्रोल ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव टर्बो पेट्रोल और वन पॉइंट फाइव पेट्रोल हाइब्रिड

और अगर एक्स्यूवी फाइव डब्लो की बात करें तो थर्टीन पॉइंट लाख है और 19.56 पॉइंट फाइव लाख उसके टॉप एंड के लिए जाता है 14.69 लाख से शुरू हो रही है टाटा सफारी और ये जाती है 21.45 लाख तक जैसा आपने देखा होगा शायद एडवेंचर एडिशन भी उन्होंने लॉन्च किया है तो यहां पर ये तीनों प्रोडक्ट को और देखें तो लगभग जो चीपेस्ट जो एंट्री पॉइंट है दैट इज हेक्टर प्लस 13.35 और उसके बाद है एक्स यू फाइव डब्लो और देन यू हैव हाँ टाटा सफारी और ये तो प्राइसेस हमने देख है जो एक्जिस्टिंग तीनों गाड़ियां हैं जिसमें से एक नहीं होने वाली है दैट इज एक्सयूवी फाइव और उसकी प्राइसिंग भी आई गेस काफ़ी कॉम्पिटेटिव ही रहेगी जिस तरीके से हाल फिलहाल में हमने देखा है महिंद्रा अपनी प्राइसिंग को लेकर जो अग्रेसिव रही है प्लस अगर उन्हें कंपीट करना है यू नो हेक्टर प्लस और सफारी जैसी गाड़ियों से तो ऑब्वियसली वहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा

का भी प्राइसिंग जो है वो, वो काफी एग्रेसिव होगा अगर इलेवन टू एटीन होगा तो आई गेस एक अच्छा ऑप्शन उस सेगमेंट में आ, हो सकता है वो वाला स्पेस थोड़ा सा खाली है स्पोर्टी गाड़ियां या एस की बात करें तो वहां पर हो सकता है कि उसका प्ले जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सो इन केस यू वन रिंग कि सेवन सीटर वाले गाड़ियां ली जाए या नहीं ली जाए अभी तुरंत अगर आपको चाहिए तो यू कैन चूज बिटवीन नदीस थ्री जो कि uh, पहले से मौजूद हैं लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो एक दो महीने और वेट कर लीजिए वेर यू विल गेट टू सी टू न्यू प्रोडक्ट्स और उनके प्राइसिंग मुझे लगता है कि काफ़ी अग्रेसिव होगी और फीचर्स के हिसाब से भी वो दोनों काफ़ी लोडेड हो सकती हैं हाल फिलहाल में जिस तरह की गाड़ियां हमने देखी हैं तो कहने का मतलब ये कि इनकेस यू कैन वेट आई थिंक एक दो महीने आप वेट कीजिए तब बहुत बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे सो so दैट बाद में जाके आप पसताएं बट अगर बहुत जल्द आपको लेनी है फिर चूज बिटवीन हेक्टर प्लस एंड सफारी तो ये था प्राइस लिस्ट और ऑस्पेक्ट कंपैरिजन सेवन तो सीटर एसवीज के सेगमेंट का इन केस यू हैव अदर क्वेरीज डू लेट अस नो क्योंकि हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की और फटाफट आपके सामने लाने की और फिलहाल इस वीडियो में इतना प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक दोस्तों को बांटिए वीडियो और डिले अगर और भी इस तरह के क्वेरीज हैं, तो हम और आपके पास वीडियोस बनाएंगे सो so दैट आपके डिसीजन लेने में आसानी हो थैंक यू वेरी मच बाय तथा बाय